नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं आज का वीडियो जो लेकर के आया हूँ, यह आप लोग को बेहद अच्छा लगेगा और यह आप लोग के लिए महत्वपूर्ण भी है। मैं आपको बताते चलूँ कि ये राजेश बुक स्टोर है और यहाँ पे आपके यूपीएससी और स्टेट पीसी से संबंधित किसी भी तरह के स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो, चाहे वो बुक हो या वो नोट्स हो, चाहे जीएस या ऑप्शनल के लिए, चाहे वो टेस्ट सीरीज लेना हो या करेंट अफेयर्स लेना हो या कुछ भी, आपको कुछ भी चाहिए आप दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज करके आप अपना संसाधन मंगा सकते हैं। और अगर आपको नॉलेज ना हो उस विषय में, यहाँ पे पूछ भी सकते हैं, आपको उससे संबंधित प्रॉपर और बेहतर जानकारी दे दी जाएगी, फिर आप चाहे तो मंगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिक्स नोट्स दिखाने वाला हूँ। मिक्स नोट्स, पहले बता दूँ क्या है। मिक्स नोट्स का मतलब मेरा कहने का ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर मैं ज्योग्राफी के लिए किसका पढ़ूँ, पॉलिटी के लिए क्या पढ़ूँ, इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ूँ, हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ूँ, किस कोचिंग का नोट्स लेकर के पढ़ूँ। तो ये कन्फ्यूजन सभी लड़कों में होती है, ज़्यादातर उन लड़कों में जो नए हैं, तो वो इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपके पास प्रॉपर संसाधन नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी इसे मंगा सकते हैं। अभी मैं फिलहाल में जो दिखा रहा हूँ वो मैं इंग्लिश मीडियम के मिक्स नोट्स को दिखा रहा हूँ, पर अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो भी आप अपना ये संसाधन यानी ये मिक्स नोट्स मंगा सकते हैं, आपको मिल जाएगा। देख, ये मिक्स नोट्स जो है उन्हीं लड़कों के हिसाब से बनाया गया है कि कौन सा टॉपिक किस कोचिंग में बेहतर है, उस टॉपिक को उस कोचिंग से इसमें डाला गया है। ये बात समझ में आ गई ना? आइए अब हम आपको इस नोट्स को दिखा देते हैं। वीडियो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी मेटेरियल जल्दी जल्दी दिखाएंगे ताकि वीडियो हमारा लंबा ना हो। इंटरप्शन के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, वीडियो को आगे ले जाऊं। उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा सुपर कोचिंग के बारे में, जो कि आपको टेक्स्ट बुक के द्वारा देखने को मिल जाएगी। इसके कमाल की बात यह है कि इनकी फीस काफ़ी ज़्यादा कम है और इनकी फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। यह आपको करीब 20 से ज़्यादा कोर्सेज आपको अभी अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके अंदर आपको सी सैट, एन सी आर टी, काफ़ी ज़्यादा जो भी क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको देखने को मिल जाएगी। आपको मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। और अभी 7 दिन के लिए इनके सभी कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को बस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पर आपसे एक कोड पूछा जाएगा और कोड के तौर पर आप यूज़ करेंगे CBA7। जैसे आप इस कोड को डालेंगे तो आपके लिए सभी क्लासेस 7 दिन के लिए फ्री हो जाएगी। आप जाकर अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, आप जाकर इनके इंटरफेस को देख सकते हैं। और मुझे जहाँ तक पता है इतने कम कीमत पर शायद ही कोई कोचिंग इतनी ज़्यादा फैसिलिटी आपको दे पाएगी। जाके अवेल जरूर कीजिएगा इन सारे फ्री क्लासेस को और एक बार इस कोचिंग को देखिएगा जरूर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। पहला हो गया आपका हिस्ट्री का, पहला चीज़ एंशियंट इंडिया। ये आपका बाजीराम से बेहतर होता है, आप इसे बाजीराम से ले सकते हैं। बात समझ में आई ना? आप अंदर देख लीजिए, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, इसकी चिंता आप ना करिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया मेडाइवल इंडिया, ये भी बाजीराम का है। ये मॉडर्न इंडिया विजन का लेकर पढ़ें, ये आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अंदर से आप देख लीजिए क्वालिटी कैसी है इसकी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, निश्चिंत रहेगा। क्वालिटी की चिंता आपको यहाँ नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि सर नोट्स जो हम ले रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि जो मटेरियल हमें मिल रहा है उसमें कुछ चीज़ें छूटी हो, कहीं कई जगह से छूटी हुई मिलती हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होता है। कोई बुकलेट मिस हो जाए डालने से वो अलग बात है, वो आपको छूट भी गई तो दोबारा भिजवा दिया जाएगा। पर ऐसे नहीं होता है कि अंदर से हम कुछ पेज निकाल लिए, कुछ कंटेंट निकाल लिए, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दिखाया जा रहा कुछ और जाएगा कुछ और, होता है रेट को कुछ आदमी कम कर देते हैं और उसके उसके लिए अपना मेंटेन करने के लिए आपको लेटर का साइज या तो छोटा कर दिया जाता है, या तो बुक आपका अंदर से कंटेंट कम हो जाते हैं, या फिर आपका प्रिंट की क्वालिटी के साथ समझौता करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर निश्चिंत रहेगा, यहाँ पर सब चीज़ें नहीं होती है। अपना जो भी हम लोग का काम शुरू से रहा है, अपने स्टूडेंट भी हैं जो हमारे मंगाते हैं, जो हमारी कोचिंग के पढ़े, तो ये सब चीज़ें यहाँ नहीं होती है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 दिखा दिया, अब ये आप देख रहे हैं पार्ट 2।
है ना। क्वालिटी भी आप अंदर से देख लीजिए, सबका तो अंदर से नहीं दिखा पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। कोशिश है मेरी कि आपको दिखा दूं, बात समझ में आ रही ना। ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस मैं बात करूं, इस स्पेस का ये वाला, ये आप इसका अच्छे से यूज करें। आप इसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, इसमें आप इसमें पूरे पेज का निचोड़ लिख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसे आप यूज करेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। अब आइए आगे बढ़ते, आर्ट एंड कल्चर देखिए। ये वाजीराम का है, आप ये देखिए, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आपका विजन का है, बात समझ में आई ना। अब आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी वाजीराम की है, समझ गए। ये इंडियन ज्योग्राफी थी, इसमें कुछ हिस्सा वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, ये भी ज्योग्राफी लिखा रहता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से बुकलेट नहीं आती है, इसी में है। आप आगे देख रहे हैं सोसाइटी, ये विजन की सोसाइटी बेहतर होती है। आप यहां से इसके अलावा अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप हिंदी मीडियम में भी मिक्स नोट्स मंगा सकते हैं। हिंदी मीडियम में जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं उस हिसाब से हिंदी मीडियम का दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आपका ऑप्शनल के लिए कोई सब्जेक्ट चाहिए वो भी आप मंगा सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शनल चाहे जो भी रहे आप बता दीजिएगा, उसके लिए आपका जो बेहतर ऑप्शन होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन होगा आपके अपने ऑप्शनल के लिए। फिर आप उसको देख लें, जान लें, फिर अच्छा हो आप उसे मंगा सकते हैं, या कोई बुक्स लेनी हो तो आप उसे भी मंगा सकते हैं, सारी बुक्स मिल जाएंगी। जीएसपी पर वन हमारा खत्म हो गया, अब हम टू में प्रवेश कर चुके हैं। ये पॉलिटी की आप पहली बुकलेट देख रहे हैं, आप देख लीजिए, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, इसके लिए चिंता ना करिएगा, बेहतरीन मिलेगी, समझ में आया ना। आपके अपने तैयारी से संबंधित कोई भी संसाधन लेना हो, चाहे वो मैगजीन हो या टेस्ट सीरीज हो, चाहे बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, कुछ भी लेना हो आप घर बैठे मंगा सकते हैं, मिल जाएगा यहाँ से। ये गवर्नेंस है, आप देख लीजिए। और ये रहा आपका आईआर, काफी मोटा है ये आईआर, वाजीराम का है, बेहतर है, आप इसे पढ़ सकते हैं, अच्छा रहेगा। ये सोशल जस्टिस है, आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो जिस कोचिंग का बेहतर है ना उसी हिसाब से आपको इसमें हम आपको दे रहे हैं, ताकि आपको एक बेहतर ऑप्शन मिल सके, हमारा मकसद यही है। इकोनॉमी श्रीराम की बेहतर होती है, आप इसका लेके पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपने रमेश सिंह किताब नहीं रखी है और आपका अगर मान लेते हैं बेसिक कमजोर है तो आप मुन्नाल सर के नोट्स आते इकोनॉमी के वो भी ले सकते हैं, बेहतर रहेगा। इन्वायरमेंट शंकर आईएएस का एक बेहतर विकल्प होता है, आप इसे लेके पढ़े इन्वायरमेंट शंकर आईएएस से, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं आगे, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये वाजीराम की बेहतर होती है। इंटरनल सिक्योरिटी वाजीराम की बेहतर होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट विजन का आप लेके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक इग्नू से एक बुकलेट आती है, आप उसे लेके पढ़ सकते हैं, वो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा बेस दे देता है। आप उसे लेके पढ़ेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक है वो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, समझ गए ना। अब आते हैं पेपर फोर में, हमने थ्री भी दिखा दिया। ये एथिक्स देख रहे हैं आप, बुकलेट नंबर एक, क्वालिटी आप देख लीजिए, ठीक है ना, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, निश्चिंत रहे आप। ये आप थ्री है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, केस स्टडी, जो कि आपका एथिक्स का मुख्य रूप से माना जाता है। हालांकि गवर्नेंस में भी इस केस स्टडी का यूज होता है और बहुत ही जरूरी होता है ये। ना सिर्फ इसका आपका गवर्नेंस में और एथिक्स में यूज होता है, बल्कि आपके इंटरव्यू में भी बहुत ही काम आता है, बात समझ में आई ना, बहुत ही जरूरी चीज होता है। इसके अलावा आप एथिक्स के लिए एक आती है सेकेंड ईआरसी की चौथी रिपोर्ट, एथिक्स इन गवर्नेंस, आप उसे भी लेके पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा, उसमें अच्छा आपको बेस मिल जाएगा, अच्छी जानकारी मिल जाएगी, बात समझ में ना। अब आगे बढ़ते हैं, हमने अभी जी एस पर 1, 2, 3, 4 की चीज़ों को देखा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे फिजिक्स, ये आपकी केमिस्ट्री, और ये बायोलॉजी, ये वाजीराम की बेहतर होती है, ठीक। और ये रहा ऐसे, ये आप विजन से लेके पढ़ें, हालांकि इतने से काम नहीं चलेगा, 250 नंबर का पेपर है, ठीक है ना। इसके अलावा आप एक अच्छी किताब को फॉलो कर सकते हैं, जैसे आप अरिहंत का ले लें, या आपको इच्छा लगे तो दृष्टि का या दिशा का, आपको जिसका इच्छा आप लेके पढ़ सकते हैं, इन तीनों में से तीनों ही बेहतर है। इसके अलावा कुछ हम लोग एक्स्ट्रा बुकलेट भी देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब पतली पतली शीट्स हैं, दो दो चार चार पेज की,
ये आपके अलग अलग टॉपिक को जो करेंट से अपडेट करने के लिए दी जाती हैं, ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज भी मिल सके, एक अच्छा जानकारी और अप टू डेट आप हो सके और उन मुद्दों को अच्छे से आप जान सके। ये आपको वर्तमान में चल रहे जो हॉट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक पे आपको एक अच्छा नॉलेज देने के लिए और इसको अप टू डेट करने के लिए ये कुछ बुक शीट्स जो है हम लोग के द्वारा दी जाती है, ताकि वो अच्छी आपका अप टू डेट हो सके। अगर आपको ये नोट्स मंगाने हो, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको एक लिस्ट भेज दी जाएगी और फिर अगर आपको लेना हो तो आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट एड्रेस भेजिएगा, पार्सल आपका यहाँ से रवाना हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।